किडनी खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख लॉन्ग टर्म किडनी जो परेशानियां आती हैं उसमें मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का लंबे समय तक अनकंट्रोल रहना, सिगरेट शराब का सेवन, अनियमित दिनचर्या और दवाइयों का अननेसेसरी यूज़, ये सब मेन कारण है। इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट कारण होते हैं जिसमें स्टोन्स, इन्फेक्शंस और कई बार कुछ आनुवंशिक बीमारियां भी होती हैं। सिम्टम्स साइन नहीं मिलते किडनी की समस्याओं में, लेकिन जो इनिशियल साइंस होते हैं उसमें ये व्यक्ति कमज़ोर फील करता है, थकान आ जाती है नॉर्मल काम करने में, और उसके बाद थोड़ी बढ़ोतरी पे भूख लगना कम हो जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है और पाचन क्रिया में परेशानियां भी आ जाती हैं, और उसके बाद टेस्ट करने पर हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है या यूरिन में प्रोटीन आता है। यूरिन में झाग आना भी एक अर्ली सिम्टम हो सकता है। अगर किसी को न भी लग रहा हो तो यूजुअली 30-40 के बाद हर साल एक बार बेसिक टेस्ट किसी भी बीमारी के लिए जैसे किए जाते हैं उसी तरह किडनी के लिए भी, जिसमें सबसे कॉमन ब्लड शुगर, ब्लड बीपी, आपका वेट, बॉडी मास इंडेक्स, यूरिन और ब्लड के टेस्ट जिसमें किडनी के फंक्शंस आ जाते हैं, और अल्ट्रासाउंड बेसिक टेस्ट है जिससे पता चल जाता है कि कहीं कुछ रुकावट तो नहीं है या किडनी की जो इनिशियल चेंजेस हैं वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे इम्पॉर्टेंट जैसा बताया कि मोटापे को न होने दें, और अगर मोटापा है तो उसको एक्सरसाइज और रेगुलर डाइट कंट्रोल से ठीक रखें। दवाओं का अननेसेसरी यूज़ जिसमें खासकर पेन किलर्स और इस तरह की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, इनका यूज़ न करें या जहाँ बहुत ज़रूरत हो डॉक्टर की सलाह पर ही लें। तीसरा, अगर ब्लड शुगर है या ब्लड बीपी है तो उसको कंट्रोल करें, रेगुलर दवाइयाँ लें, ये सोच के छोड़ न दें कि अरे चलता है या हमारा तो कंट्रोल हो गया अब लेने की आवश्यकता नहीं है। चौथा, अगर कोई इन्फेक्शन्स हो रहे हैं तो उनको डॉक्टर को दिखा के सही इलाज कराएं। अगर रुकावट की फीलिंग आती है जैसे कभी स्टोन का दर्द या कोई पेशाब में रुकावट, तो उसके लिए इलाज कराएं। और लास्ट में इस बात का ध्यान रखें कि हर साल एक बार बेसिक चेकअप हो जाने चाहिए जिससे कई बार बिना किसी सिम्टम के जो बीमारियाँ भी पकड़ी जा सकें उनका ट्रीटमेंट हो सके। जो पेरिफेरी में प्रैक्टिस करने वाले जनरल फिजिशियंस हैं उनको भी ये सलाह देना चाहेंगे कि अगर अर्ली फेज में उनको कुछ पता चलता है तो जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट्स के पास भेजें जिससे कि प्रॉब्लम बढ़ने ना पाए। किडनी ट्रांसप्लांट्स के अलावा आज के दिन में अच्छी तरह की डायलिसिस की, 2-3 तरह की डायलिसिस की फैसिलिटीज़, में पेट की डायलिसिस होती है CAPD या हीमोडायलिसिस होती है जो आजकल घर पे भी अवेलेबल होने लगी है, तो वो सब सुविधाएं हैं। लेकिन लंबे समय तक एक यंगर साइड के पेशेंट के लिए क्योर जो है ट्रांसप्लांट के थ्रू ही मिल सकता है। अभी भी कुछ नए रिसर्च चल रहे हैं जिसमें सूटकेस किडनी या वेरिएबल किडनी की बात आ रही, जैसे पेसमेकर होता है उस तरह से बॉडी में लगा दिया जाए और उससे फायदा, लेकिन वो शायद अभी अगले 5-10 साल तक जनता को अवेलेबल ना हो।